The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, namaskar. Dosto, aaj hum aapka blood pressure और सोडियम और पोटेशियम का रिलेशनशिप समझाएंगे, कैसे आप अपने शरीर में जाने वाले पोटेशियम को बढ़ा के अपना ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियों का बर्डन कम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या कर सकते, क्यों कर सकते, इसके बेसिक आपको समझाएंगे। सो मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। सोडियम और पोटेशियम ये दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो आपके शरीर को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, डेली के लिए चाहिए होते हैं। ये आपके शरीर में फ्लूइड यानी कि पानी और ब्लड, इसके वॉल्यूम को बैलेंस करते हैं, मेंटेन करते हैं, राइट। अब लेकिन दिक्कतें क्या हो सकती हैं, आपके शरीर में खूब सारा सोडियम बढ़ सकता है, हाई सोडियम हो सकता है, या हो सकता है हाई पोटेशियम हो जाए या फिर लो पोटेशियम हो जाए। ज़्यादातर केसेस में आपके केस में ये होता है, सोडियम हाई हो जाता है, बिकॉज सोडियम के सोर्सेज बहुत इजीली आपको मिल जाते हैं, खासकर नमक और नमकीन चीज़ें आपको बाहर के मार्केट से ली हुई जो स्नैक्स हैं उसमें खूब सारे होते हैं, तो इसलिए नमक यानी सोडियम ज़्यादा हो जाता है और इसके वजह से पोटेशियम सोर्स कम हो जाता है और एक्चुअली उतना पोटेशियम होता ही नहीं है जितना होना चाहिए। पोटेशियम होता है वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, सी फूड में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, और हम वो कम खाते हैं। किस में पोटेशियम ज़्यादा होता है? पोटैटो, टोमेटो, लीफी ग्रीन वेजिटेबल, स्वीट पोटैटो, बीन्स, बनानास और डेयरी प्रोडक्ट यानी कि दही में, आपके सी फूड में, सैलमन, उसमें मतलब फिश में, गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम। अब आप जो खा रहे हैं, जो सोडियम खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड से मिलता है या फिर जो रेस्टोरेंट में फूड बनता है उससे मिलता है, खूब सारा सोडियम होता है, खूब सारा नमक होता है, और ये ज़्यादा नमक, ज़्यादा सोडियम वाली चीज़ आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है। सोडियम आपके ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ा देता है, क्योंकि ब्लड में जब नमक ज़्यादा होता है तो शरीर क्या करता है, वो आपके सेल्स का फ्लूइड भी ब्लड में खींच के रख लेता है, सेल्स डिहाइड्रेट हो सकते हैं और वॉल्यूम ऑफ ब्लड बढ़ जाता है, तो प्रेशर इन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज बढ़ जाएगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सो देयर इज अ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमिंग टू मच सोडियम एंड हैविंग हाई ब्लड प्रेशर। दैट्स व्हाई इसलिए आपको नमक कम करने के लिए बोला जाता है, लो सॉल्ट डाइट, लो सॉल्ट वेरिएशंस, आप बाहर का खाना मत खाइए, बोल बोल परेशान, हम तो दुखी हो गए, आप सुनते नहीं, उनके लिए जो नहीं सुनते, ठीक है, जो सुनते, वेरी गुड गुड। सो ऑन एन एवरेज सोडियम का कंजम्पशन आपका बहुत ज़्यादा है, और अगर आपका बीपी हाई है तो आपका सोडियम कंजम्पशन ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा है, और अगर आपका सोडियम कंजम्पशन ज़्यादा तो बीपी तो हाई रहेगा ही, दैट इज़ वेरी सिंपल। अब अगर आप सोडियम भी ज़्यादा ले रहे हो और पोटेशियम कम ले रहे हो, यानी कि ये सारी चीज़ें जो हमने बताई, वेजिटेबल्स और ये सारी चीज़ें कम ले रहे हो, तो ये दोनों और ज़्यादा जल्दी आपको ब्लड प्रेशर कर देंगे, और ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे। That is seen in research, that is proven, because potassium is very important for your, आपके diet में बहुत ज़रूरी है, आपके around आपको बोला जाता है कि even if अगर आप banana भी खा लो ना, तो एक medium banana आपको 420 milligrams of potassium दे देगा, और बहुत एक स्वीट पोटैटो, आधा स्वीट पोटैटो आपको अच्छा खासा पोटेशियम दे देगा। बट पोटेशियम इज समथिंग विच इज नीडेड, पोटेशियम इज नीडेड एट इट योर एंड इन योर ब्लड, और पोटेशियम का ये एक अकेला एक ऐसा है जो आपका ब्लड प्रेशर कम कर सकता है। जी हाँ, पोटेशियम अगर आप लेते हैं तो वो ब्लड प्रेशर लोअरिंग इफेक्ट होता है। ईटिंग मोर पोटेशियम विल कंबाइन टू यू नो, इसको साथ में आपको थोड़ा सा ऑब्वियसली बाकी चीज़ें कम खानी है, तो सोडियम कम खाएं, पोटेशियम ज़्यादा खाएं, तो आपका ब्लड प्रेशर कम रहेगा। इंक्रीजिंग पोटेशियम इनटेक कैन डिक्रीज योर ब्लड प्रेशर इन एडल्ट्स, और यहाँ पर पोटेशियम, सोडियम और हार्ट की बीमारी का लिंक भी देखा गया। इंक्रीजिंग पोटेशियम इनटेक कैन ऑल्सो रिड्यूस आपके हार्ट अटैक के रिस्क, हार्ट डिजीज के रिस्क, स्ट्रोक के रिस्क, ब्लड प्रेशर कम करने से, और साथ ही कैन ऑल्सो इसके रिस्क कम करने से
इसमें आपको सोडियम कम करना है, पोटेशियम बढ़ाना है। आज तक सिर्फ सोडियम 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 कम करो था, आज हम आपको बोल रहे हैं पोटेशियम बढ़ाओ। जी नहीं, सेंधा नमक पोटेशियम सॉल्ट नहीं होता। तो पोटेशियम सॉल्ट बहुत अलग होते हैं, वो ऐसा नहीं मिलता है मार्केट में आप ढूंढेंगे तो। सो आप अपना जो भी नमक खाते हैं पोटेशियम सॉल्ट समझ के उसको जरा इंग्रेडिएंट पढ़ लेना, गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा वो पोटेशियम सॉल्ट है या सोडियम सॉल्ट है। मोस्टली ये सारे सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, इस सब के सब सोडियम सॉल्ट है, सोडियम ही है भैया। थोड़े परसेंटेज में वेरी करते हैं, 95, 96, 97% सॉल्ट, ऑल आर सॉल्ट। सो ओके, सो स्वीट पोटैटोज में सोडियम दे होता है। स्वीट पोटैटो आपके वेजिटेबल, स्वीट पोटैटो, दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ और बहुत सारे वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सो लो ब्लड प्रेशर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, पोटेशियम आप खाइए। एवोकाडोज में पोटेशियम होता है, स्पिनिच में होता है, मैंने ऑलरेडी बताया किस किस में होता है। तो पोटेशियम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड फॉर योर डाइट। एंड सॉल्ट इज नॉट ओनली, सिर्फ सोडियम की बात नहीं होती, लेकिन सोडियम आपका सिर्फ सॉल्ट से नहीं आता, सोडियम आपके प्रोसेस्ड फूड से भी आता है। इसलिए प्रोसेस्ड फूड खाना बंद करिए, सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट है प्रोसेस्ड फूड। डैश डाइट के बारे में हमने बताया था, DASH, डैश डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेशियम अब नया इज हैज बीन क्लासिफाइड एज अ न्यूट्रिएंट ऑफ पब्लिक हेल्थ कंसर्न, क्योंकि उसको चाहिए, उसको ज़्यादा चाहिए। नॉट इनफ पोटेशियम इज अ बिग रिस्क, जो हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हार्ट ब्लड प्रेशर का रिस्क है। तो वेजिटेबल, सी फूड, डेयरी, पोटैटो, स्वीट पोटैटोज, ये खाइए, ये अच्छे हैं आपके लिए, राइट। सो पोटेशियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपका ब्लड प्रेशर कम करने का। इसके रिसर्चेस आपको पबमेड पे मिल जाएंगे कि जिस इंसान ने पोटेशियम ज़्यादा खाया, सोडियम कम खाया, उनके ब्लड प्रेशर कम होते हैं। नाउ द कंसर्न इज, नाउ ऑब्वियसली इसके साथ आपकी अच्छी लाइफस्टाइल होगी, सोडियम कम खाओगे, बाहर से खाना कम खाओगे, प्रोसेस फूड कम खाओगे, तो जनरलाइज्ड वे में और ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। पर कम से कम पोटेशियम तो ज़्यादा खाना शुरू करो, कम से कम केला तो खाओ, कम से कम कुछ तो खाओ। और कैन यू हैव टू मच पोटेशियम, यहाँ पर आती है कि बहुत सारा पोटेशियम तो नहीं खाना, बहुत सारा खा लिया तो क्या कोई किडनी पर डैमेज तो नहीं हो जाएगा, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा? जी हाँ, इट इज़ पॉसिबल। बहुत सारा अगर पोटेशियम खाया, हाँ आ जा बता, हाँ सोचो सोहन, एक मिनट, हाँ सोहन, हाँ वो तो पता था, वही था ना, सेम ही था जिसके लिए ECG भेजा था, तो उसका ECG लो, आते हैं, ठीक है, क्या है ये? ये अभी का अभी गई है, नहीं ठीक है, इसी चीज़ कोई मेजर इशू नहीं है, सेम ही है। कहाँ से भाग क्या है, सांस फूल रही, रिलैक्स, ठीक है, इसी चीज़ कुछ नहीं, सेम चीज़ है, वो करा लो, ऐसे भी ड्रॉप आई करा लो फिर भी, ठीक है। सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, इज इट पॉसिबल टू हैव टू मच पोटेशियम? येस इट इज़ पॉसिबल। अगर ज़्यादा पोटेशियम हो जाए तो इट बिकम्स, बिकॉज अल्टीमेटली आपकी किडनी को पोटेशियम को बैलेंस करना होता है, और ज़्यादा पोटेशियम हो जाए तो इट कैन एक्चुअली कॉज प्रॉब्लम्स। सो आपकी अगर आपकी किडनी ख़राब है खासकर, तो पोटेशियम के प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। तो जिन लोगों की किडनी में प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए तो फिर भी चलेगा वो पोटेशियम ज़्यादा ले लें, लेकिन जिनकी किडनी में प्रॉब्लम है उन्हें पोटेशियम लेवल देखना होता है। वो डायूरेटिक नाम की दवाई भी लेते हैं, उसमें भी इसी पोटेशियम का इम्बैलेंस होने का इशू होता है। कुछ दवाइयाँ होती जो पोटेशियम स्पेयरिंग होती है, कुछ होती जो पोटेशियम बड़े शरीर से निकालती हैं। सो दवाइयों को ध्यान में रख के अपने बारे में सोचना पड़ेगा। और अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है और आपको कोई, अगर पोटेशियम ज़्यादा हो जाए, आपने बहुत ले लिया, हाइपरकैलेमिया हो गया, तो फिर आपको रिदम प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। सो इसीलिए पोटेशियम का नमक ढूंढने से ज़्यादा बेहतर है कि आप नेचुरल सोर्सेज से पोटेशियम खाओ। उस नेचुरल सोर्सेज से पोटेशियम खाने से, यानी कि केले खाने से, वेजिटेबल्स खाने से, दही खाने से, आपको हाई नहीं हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया कभी नहीं होगा। लेकिन पोटेशियम सॉल्ट ढूंढ के निकालोगे तो दिक्कत हो जाएगा, समझ रहे हो? पोटेशियम का सॉल्ट मत ढूंढिए, ये करिए। पोटेशियम अगर ज़्यादा हो जाए तो रिदम प्रॉब्लम आ सकती है, पेट में गड़बड़ी हो सकती है, पल्स इरेगुलर होकर चक्कर आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है, इवन हार्ट कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। इसलिए कुछ दवाएं होती हैं जो पोटेशियम ऊपर नीचे करती हैं, तो उसके लिए रेगुलर आपको किडनी फंक्शन है पोटेशियम चेक करने के लिए बोला जाता है डॉक्टर द्वारा, कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा, तो वो भी ध्यान से सुना करो। पोटेशियम के फायदे हैं, पर पोटेशियम सॉल्ट नहीं लेना है, पोटेशियम
रिच डाइट में पोटेशियम रिच फूड लेना है। अब उसमें बोलोगे सर केला मीठा होता है और मैं मोटा नहीं होना चाहता, मेरे को डायबिटीज़ है, भाई केला खाओ, आलू खाओ, लेकिन आलू क्वांटिटी में कम खाओ नंबर वन। केला खाओगे, केला तब खाओ जब अभी अभी पका है, अभी अभी पके में शुगर कम होती है, जब वो पक के एकदम गलने वाला होता है उसमें शुगर ज़्यादा होती है। तो अभी अभी पके वाला केला दो केले रोज़ खा लो, कोई बात नहीं, बढ़िया तुम्हें पोटेशियम मिल जू, कोई टेंशन नहीं। और दही खा लो, दूध पी लो, पोटेशियम मिल जाएगा। नॉनवेज खाते हो, फिश खाते हो, फिश खा लो हफ्ते में एक बार 250 मिलीग्राम। भाई बैलेंस डाइट खाओ और सब्जियां खाओ दबा के, ग्रीन वेजिटेबल लीफी, हो गया काम, क्या दिक्कत है कि नहीं। इतना सिंपल सी चीज़ बताया है आपको, कर लोगे तो तर लोगे, तर लोगे मतलब पार हो जाओगे इससे, है ना। सो दैट्स द थिंग। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो सो दैट सबको मिले, सबको नॉलेज मिले। आई एम डॉक्टर परमजीत, यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।